गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एक बारी, और हम जो पढ़ेंगे आज सिंप्लीफिकेशन का पांचवा पार्ट है, और इसमें जो कवर करने वाले हैं 110% आएगा सर, 110%, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, है ना, वर्ग तीन का एग्जाम हो, या पुलिस का एग्जाम हो, फॉरेस्ट का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम होगा 110% कन्फर्म है, लिख के लो सर। तो आज जो हम पढ़ेंगे पार्ट पांच में कवर करेंगे, हर एक बच्चे ने डिमांड की थी कॉपी की, सर इस कंसेप्ट को सिंप्लीफिकेशन में खत्म करा दें। तो पांचवा पार्ट है सिंप्लीफिकेशन का, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मीन, मीडियन, ठीक है बेटा, मोड, रेंज, रेंज, इनको हिंदी में लिख लेते हैं। मीन मतलब होगा माध्य, इसे बोलेंगे माध्यिका, माध्यिका, ए है बहुलक, परिसर, परिसर या सीमा, रेंज मतलब कहां से कहां तक रेंज है, जैसे हम कहते हैं कि हमारी दीवार यहां से यहां तक है, तो अपनी रेंज है, एक सीमा है, परिसर है। तो सबसे पहले ध्यान से समझते हैं, इधर ध्यान देंगे बोर्ड पर, इस माध्य को ध्यान से सुनेंगे प्लीज सर। हम लोग समांतर माध्य भी बोलते हैं, समांतर माध्य, क्लियर है, समांतर माध्य या अंगणितीय माध्य, अंकगणितीय माध्य या अंगणितीय माध्य या अंगणितीय मान, अंगणितीय मान। तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपसे केवल माध्य बोले कि मीन निकालिए, इंग्लिश में एक ही नाम है मीन, लेकिन हिंदी में इसके जो नाम है, या तो इसे समांतर माध्य बोल देता है, या अंगणितीय माध्य, या अंगणितीय मान। तो तीन नेम और इसके एक्स्ट्रा होते हैं, समांतर माध्य, अंगणितीय माध्य और अंगणितीय मान। तो हिंदी का याद नहीं रखना है, जब भी आपसे पूछे कि मीन, इंग्लिश में एक ही नाम होता है मीन, क्लियर है बात। तो अब एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं, इसको आप लोग बना लें, इसे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग मीन, माध्य। पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे, हर एक की डेफिनेशन क्या होगी, फिर इस पर किस पैटर्न से क्या फॉर्मूले हैं, किस पैटर्न से सवाल बनते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसे बना लें आप लोग एक बारी, मिटा दें इसे। तो माध्य के तीन नाम है, बाकी का माध्यिका को माध्यिका ही बोलेंगे, बहुलक, परिसर। तो एक बारी शुरुआत करते हैं माध्य से। देखिए, आप लोग तभी सीख पाएंगे जब आपको टीचर के प्रति विश्वास होगा। और हाँ, एक और आपको सूचना दें कि हम बहुत जल्द लाइव आने वाले हैं, सभी बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, और वहाँ शुरुआत से हम एक लेवल से धीरे 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 हर एक टॉपिक कवर करेंगे सर, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे सारी चीज़ें, है ना। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे भाई बहनों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें वीडियो को। देखो, अच्छाई बांटते हैं तो अच्छाई वापस आती है, है ना, आपका कुछ चला नहीं जाएगा भाई साहब। और प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, आप लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, और कमेंट भी किया करें। तो चलिए, तो पहला पॉइंट लिखते हैं मीन, माध्य। अगर हम लोग माध्य की बात करें, तो माध्य का मतलब होता है
एवरेज ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना होता है? एवरेज, एवरेज औसत निकालना, औसत निकालना, एवरेज कैलकुलेट करना। तो एवरेज का मतलब क्या होता है ना, जो भी सीरीज आपकी दे रखी होगी है ना, उसका योग रखना है ऊपर, सम ऊपर रखना है, संख्याएं नीचे रखना है, नंबर ऑफ टर्म्स, यही होता है एवरेज। योग ऊपर जोड़ के रखना है, नंबर ऑफ टर्म्स संख्याएं नीचे रखना है। जैसे एक सीरीज यहां पर मैं लिख देता हूं, 2, 3, 4, 3, 5, 6 ऐसे सीरीज है। और हम कहें इसका कि मीन ज्ञात कीजिए, एक सीरीज आपको दे देगा इंडिविजुअल सीरीज, और कहेंगे आपसे कि इसका मीन ज्ञात कीजिए। एक सीरीज यहां पर ऐसे बना के उसने दे दिया, तो हमें करना क्या है, इन संख्याओं को जोड़ के ऊपर रखना है। जैसे 2 + 3 + 4 + 3 + 5 + 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं कितनी है, नंबर ऑफ टर्म 6। ठीक है भाई साहब, कोई परेशानी? सभी को जोड़ के ऊपर योग बटे संख्याएं, सबको ऐड करेंगे, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 5, 12 और 11 23। एक बार फिर से रिपीट, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 6 23, 23 ÷ 6, यही हमारा आंसर होगा। ये इस सीरीज का मीन है, माध्य है। तो एक बात समझ में आ गई होगी कि जब भी हमसे मीन की बात करेगा तो मीन कुछ नहीं है। कुछ बच्चे तो इसमें भूल जाते हैं, मीन का मतलब होता है केवल और केवल एवरेज निकालना, औसत ज्ञात करना, औसत ज्ञात करना। क्लियर है? तो एवरेज कैसे निकालते हैं, जितना योग होता है उसे ऊपर, जो संख्याएं होती हैं उतना नीचे, यही होता है ना सर। तो योग हमें रखना है ऊपर, संख्याएं रखना है नीचे, भाग देंगे मीन आ जाएगा आपका, माध्य आ जाएगा। जैसे ही आपसे मीन बोले तो माइंड में सीधा क्लिक होना चाहिए कि हमें एवरेज कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी केवल डेफिनेशन की बात हम लोग करेंगे केवल। तो ये बात मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ पाए होंगे बेहतर तरीके से, कि आज के बाद माध्य को माध्य के तरीके से नहीं देखना है, एवरेज के तरीके से देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी केवल हम डेफिनेशन की बात करेंगे, कितने सवाल किस एग्जाम में आए हुए हैं आप लोगों को आखिरी तक देखना है वीडियो। हर एग्जाम का सवाल आपको मिलेगा। जैसे एक और प्रैक्टिस के लिए यहां पर मैं लिखता हूं, नंबर 2 जैसे लिखा हुआ है, 3, 5, 4, 10, 7, 8 हमसे बोलेगा कि फाइंड मीन, माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य का मतलब क्या होता है, सभी का योग ऊपर, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 10 22, 22 और 15 22, 10 32 और 5 37। और संख्याएं कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 37 / 6, ये इसका मीन होगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं मीडियन की ओर। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट मीडियन। अभी केवल डेफिनेशन क्लियर कर रहे हैं हम लोग। मीडियन, हिंदी बोलते हैं माध्यिका, माध्यिका। चलिए इसको समझने के लिए एक मैं सीरीज यहां पर लिखता हूं, फिर इसकी डेफिनेशन समझेंगे। जैसे 2, 3, 13, 8, 12, 7,
नो, ए सीरीज है आपकी, और इस सीरीज में हमें कैलकुलेट करना है कि मीडियन क्या होगा। क्लियर है? तो ध्यान से सुनना है। सबसे पहला काम ध्यान से सुनिए सर, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस ऑर्डर में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इससे आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर और बड़ा। तो इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले इसमें छोटा नंबर क्या है? दो। फिर क्या है? तीन। पहले दो है, फिर तीन, फिर कौन सा छोटा इसके बाद में? सात, आठ, नौ, बारह, तेरह। क्लियर है? अब माध्यिका कैसे निकालते हैं? तो पहला काम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, जो भी सीरीज दी होगी उसे बढ़ते क्रम में लिखना है। क्लियर है भाई? सब बात समझ पा रहे हैं, है ना? उसके बाद में हमें एक यहां से कैंसिल करना है, एक पीछे से गायब करना है, फिर दूसरा यहां से कैंसिल, दूसरा यहां से कैंसिल करेंगे, तीसरा यहां से कैंसिल, तीसरा यहां से कैंसिल। अब जो बच जाता है बीच में वही आपका माध्यिका होता है। आंसर होगा आठ। तो अगर मैं एक शब्द में इसे बोलना चाहूं, एक ही शब्द में अगर इसे बोलने चाहे हम लोग, मीडियन को अगर मुझे एक शब्द में डिफाइन करना हो, तो मैं बोल सकता हूं कि एक व्यवस्थित एवरेज होता है। एवरेज कैसे निकालते थे? एवरेज का मतलब बीच वाली संख्या। एक व्यवस्थित औसत होता है, सीरीज का एक व्यवस्थित क्रम होता है, आरोही क्रम। और एक यहां से गायब करना है, एक यहां से, बीच में जो बचता है वही हमारा आंसर होगा। अब माइंड में एक डाउट होगा कि सर अगर सीरीज इस पैटर्न की हुई, ये समझ में आ गया? एक यहां से गायब, एक यहां से गायब करना है, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, जो बचा वही आपका मीडियन होगा। तो माध्यिका का मतलब होता है एक व्यवस्थित क्रम, सीरीज का बढ़ते क्रम में व्यवस्थित क्रम। सीरीज का बढ़ते क्रम में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, अरेंज करना, सीरीज को बढ़ते क्रम में, सीरीज को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, सीरीज को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना। क्लियर है भाई साहब? जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? मीडियन। एक और एग्जांपल यहां लेता हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे। अभी केवल हम लोग डेफिनेशन क्लियर कर रहे हैं जनाब, जल्दबाजी नहीं करना। बिल्कुल मुझे पता है आप कह रहे हो कि सर ये क्या है, छोटे छोटे हैं, अभी शुरुआत है केवल। एक सवाल और यहां पर लेता हूं, ये लिखा हुआ है पांच, तीन, अठारह, चार, दो, छ, नौ, तीन। अब इसमें अगर मैं आपसे बोलूं, इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि माध्यिका क्या होगा, तो पहले तो हम इसे व्यवस्थित करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। पहला काम क्या है? व्यवस्थित करना। पहले लिखेंगे दो, फिर तीन, फिर तीन, तीन दो बार है, इसके बाद चार, पहले दो कैंसिल हुआ, तीन, तीन, चार, पांच, पांच के बाद छः, नौ, अठारह। तो एक यहां से कैंसिल, एक यहां से, दूसरा यहां से गायब, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, तीसरा यहां से, बाकी के अब जो दो टर्म बचे, एक बचता है तो वही मीडियन होता, लेकिन दो बचेंगे तो दोनों को जोड़ के दो से भाग दे देंगे। दोनों को जोड़ के कितने से भाग दे देंगे? दो से। तो चार प्लस पांच कितना होगा? नौ। तो नौ बटे दो, ये हमारा आंसर होगा, या 4.5। क्लियर है?
अगर सीरीज में आपके दो टर्म बचते हैं तो दोनों को जोड़ के दो से भाग देना है। क्लियर हुई बात? कोई परेशानी किसी भी भाई बंधु को? तो 4 + 5 / 2 कितना हो गया? 9/2 आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? इतनी बना ले, से ध्यान से कॉपी कर लें सभी लोग, जल्दी जल्दी कॉपी करें, जल्दी बनाओ आप लोग। क्लियर है कि सभी का? चलिए सर जी, बन गया, इधर देखेंगे। क्लियर हुई बात? बस करना क्या है, अगर दो संख्याएं बचती हैं दोनों संख्याओं को उठा के जोड़ के दो से भाग देना है। उठाओ, जोड़ो और दो से भाग दो। उम्मीद करता हूं बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो ए मीडियन था, मीडियन भी एक एवरेज होता है लेकिन व्यवस्थित ऑर्डर होता है, एक बढ़ते क्रम में हमें लिखना होता है। एक टर्म बचेगा तो वही मीडियन होगा, दो बचेंगे तो दोनों को जोड़ के दो से भाग देना है। तीसरा, नेक्स्ट सर, अगला है मोड। हिंदी बोलते हैं बहुलक, क्या बोलते हैं? बहुलक। क्लियर है मोड? क्लियर है? देखिए ध्यान से, बहुलक ध्यान से सुनेंगे सर। बहुलक का मतलब होता है नंबरों की ऐसी सीरीज, नंबरों की ऐसी सीरीज जिसमें जो अंक अधिक बार आया हो, नंबरों की ऐसी सीरीज जिसमें जो अंक अधिक बार आया हो उसे हम लोग बहुलक कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं कि जो भी नंबर हो वो ज्यादा बार आया हो उसको ही हम लोग बहुलक कहेंगे। जैसे पूरा एग्जाम्पल, विच कम्स मैनी टाइम्स, विच कम्स मैनी टाइम्स। देखिए इधर एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, यहां पर ये लिखा हुआ है 2 3 4 3 5 6 8 9। क्लियर है बात? यहां तक किसी को कोई परेशानी है? अब इसमें मैंने कहा नंबरों की ऐसी सीरीज जिसमें जो अंक ज्यादा बार आया हो, कौन ज्यादा बार आया हुआ है? आप लोग देखेंगे 3, तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर बनेगा 3। यही आपका मोड है बहुलक। इसके आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं, ना तो मीन के आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं ना मीडियन के, इसके आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं। एक से ज्यादा का मतलब है कि एक डिजिट से ज्यादा डिजिट भी आ सकते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल लेता हूं, कहीं इस पैटर्न की सीरीज लिखी हुई हो 2 3 4 3 5 6 5 7। तो अब आप कह रहे होंगे सर इसमें तो 3 भी 2 बार आया हुआ है, 5 भी 2 बार आया हुआ है। 3 कितनी बार आया हुआ है? 2 बार। 5 कितनी बार आया हुआ है? 2 बार। तो यही आंसर होंगे, जो अधिक टाइम्स आएगा वही आंसर है। तो 3 और 5 इसके दोनों आंसर बनेंगे। जैसे बात होती है ना, जैसे हमें ये देखना है कि कौन जीत रहा है भाई, चुनाव होता है तो हमें ये देखना है कि कौन जीत रहा है भाई, इसमें कौन जीत रहा है, कौन कितनी बार आया हुआ है, वही तो आपका आंसर होगा। चुनाव की बात करें तो चुनाव में जो नेता जीतता है उससे ज्यादा वोट मिलते हैं, तो इसमें जो ज्यादा बार आया हो वही आपका मोड होगा। तो मीन का मतलब हो गया एवरेज, मीडियन का मतलब व्यवस्थित क्रम, जो बीच में बचेगा अगर एक टर्म बचेगा तो वही आंसर होगा, दो टर्म बचेंगे दोनों को उठाओ जोड़ो दो से भाग दो। बहुलक का मतलब होगा जो ज्यादा बार आया हो सीरीज में, जो ज्यादा बार आया हो उसे हम लोग आंसर बना लेंगे। ओके नेक्स्ट सर, चलिए सर जी बना ले, से बन गया।
नेक्स्ट, अब कुछ सवाल इस पर डायरेक्ट बनते हैं फॉर्मूले से। नाइन्टी 8% बच्चों को इन फार्मूले के बारे में जानकारी नहीं होती है, जबकि हर बारी एग्जाम में इन फार्मूले से सवाल एग्जाम में आते हैं। क्लियर है बात? दिक्कत तो नहीं? चलिए, सुरमा सूख के साहब देखेंगे इधर ध्यान से। देखिए पहला फार्मूला है, फर्स्ट ध्यान से देखते हैं। मोड बराबर थ्री मीडियन माइनस का टू मीन। मोड बराबर होगा थ्री मीडियन माइनस का टू मीन। बहुलक बराबर थ्री माध्य का माइनस का टू माध्य। हिंदी में भी देख लेंगे। ओके, थ्री मीडियन माइनस का टू मीन। क्लियर है बात? दिक्कत तो नहीं? एक और लिखाता हूं, मोड बराबर होगा, इधर देख लेंगे, बना ले पहले से, जल्दी जल्दी बना ले। थ्री मीडियन माइनस का टू मीन, थ्री मीडियन माइनस का टू मीन। देखिए इधर एक और लिखाता हूं, सेकंड फार्मूला सर। 98% बच्चों को इनके बारे में जानकारी नहीं है साहब। मोड बराबर मीन माइनस का थ्री मीडियन माइनस का मीन। बहुलक बराबर माध्य माइनस थ्री माध्य का माइनस का माध्य। जब भी आपको सवाल में मीडियन और मीन का डिफरेंस दिया हो, मीडियन और मीन का डिफरेंस दिया हो, बेटा ध्यान से बात को समझना है। एग्जाम हॉल में जाके हम सारी बातें भूल जाते हैं। जब भी सवाल में मीडियन और मीन का डिफरेंस दिया हो तब इसका यूज होगा। अगर अलग अलग दिया हो मीन और मीडियन अलग अलग दिए हों तब इसका यूज हुआ। ओके, क्लियर है? तो इस पर सवाल काफी बने हुए हैं, कुछ सवाल हम लोग देखते हैं इस पर। तो थ्री मीडियन माइनस का टू मीन याद रखना है, भूल नहीं जाना। चलिए मिटा दे से। तो क्या करना है, जब भी अलग अलग दिया हो तो मीडियन कितना तीन, मीन कितना टू। मीन का मतलब होता है दो संख्याओं को जोड़ के भाग, ये तो था माध्य सर। और मीडियन कितना तीन, माध्य में तीन लिखना है, मीडियन मीन में टू लिखना है, भूल नहीं जाना है। दो तीन बार प्रैक्टिस कर लेना। 98% सवाल इन फॉर्मूले पर बने हुए हैं। तो एक सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पर, एक सवाल देखिए। एक सवाल लिख लेते हैं, मीडियन दिया है 28, मीन दिया है 12 और पूछा आपसे मोड है। क्या सवाल में डिफरेंस दिया है नहीं दिया है, तो यूज करेंगे हम लोग ये वाला फार्मूला, पहले वाला सर। पहले वाला फार्मूला क्या था, निकालना क्या है मोड। तो मोड बराबर था 3
3 मीडियन माइनस का 2 मीन, तो मान रखेंगे 28 दूनी 56, 28 दिया 84, माइनस का 12 दूनी 24, तो मोड कितना आ जाएगा, 4 से 4 कट गया 0, 8 में से 2 घटाएंगे 6, कितना लाजवाब आंसर है सर, कितना आ जाएगा 60। किसी को कोई दिक्कत है, जब भी अलग अलग देगा बोल के तो हम लोग पहले वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है भाई साहब। एनी प्रॉब्लम किसी को, कोई भी भाई बंधु को, तो कमेंट जरूर करें। और अभी इसमें हम लोग लेबल के सवाल करेंगे, हर लेबल का सवाल इसमें होगा, 3 पार्ट में मैं खत्म करूंगा इसको, 3 पार्ट में, ये पहला पार्ट है, इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, और सिंप्लीफिकेशन में 5वें नंबर का पार्ट है। एक और सवाल लिख लेते हैं, बना लो इससे पहले जल्दी, पानी पिए जब तक, बनाओ, कवर करना है जल्दी जल्दी। चलिए, क्लियर है बात है, दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए अब बात करूं मैं, सवाल कॉपी बनाएंगे हम लोग आके, एक सवाल और दे देता हूं यहां पर मैं। मीन दिया है आपको, मीन दिया है आपको यहां पर, मीन फाइंड आउट करना है, मोड दिया है 8, मोड कितना दिया है 8, और यहां पर अंतर दिया है डिफरेंस, मीन माइनस का मीडियन, माध्य और माध्यिका का अंतर दिया है, माध्य और माध्यिका का अंतर आपको दिया है 15, तो मीन माइनस मीडियन डिफरेंस है, बोलेगा आपसे कि माध्य और माध्यिका का अंतर 15 है और मोड 8 है, तो मीन क्या होगा, समांतर माध्य क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से समझेंगे बात को, फार्मूला मैंने सेकंड वाला लिखाया था, क्या था, मोड बराबर मीन माइनस 3 मीन माइनस का मीडियन, या मीडियन माइनस का मीन, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहां डिफरेंस बोल के देगा अंतर। तो मोड कितना दिया है 8 बराबर, मीन हमें निकालना है माइनस 3, इसका अंतर कितना है 15, 15 3 45 माइनस का है, इधर आके प्लस का होगा, तो 8 प्लस 45 बराबर मीन, और आंसर आ जाएगा 45 और 8 53, 53, यही आपका आंसर होगा 53। नहीं दिख रहा है, आगे इधर लिख देता हूं, 45 और 8 53। क्लियर है भाई साहब, कोई प्रॉब्लम किसी को, बहुत छोटी छोटी बातें अभी हम लोग सीख रहे हैं, बस हम आपका केवल और केवल बेस मजबूत बना रहे हैं। अभी जैसे बेस मजबूत होगा हम लोग सवालों पर लेके आएंगे। आपका माध्य क्लियर हो गया, माध्यिका क्लियर हो गया, बहुलक क्लियर हो गया, अब परिसर का अपन लोग समझ लेते हैं 5-7 मिनट में, फिर इन चारों से सवाल हम लोग बनाएंगे अगली क्लास में। पहले परिसर समझ के जाओ, इन चारों का यूज करेंगे अगली जो लेक्चर होगा अगला। चलिए देखेंगे ध्यान से, परिसर या रेंज, परिसर देखिए, परिसर की अगर बात करें तो ध्यान से समझना है,
एक सीरीज यहाँ पर लिखी होगी, उस सीरीज में बिगेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करना है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है, आपका रेंज फाइंड आउट होगा। तो परिसर का मतलब होता है जैसे बिगेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करना है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाना है। जैसे सीरीज यहां पर दिया है 5, 7, 19, 23, 4, 3, 1, 29 ऐसे सीरीज दी हो कि, तो इसमें करना क्या है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाना है, रेंज बराबर होगा। बिगेस्ट नंबर कौन सा है 29, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 1, तो 28, यही आपका रेंज होगा। कहां से कहां तक रेंज है, हम लोग कहते हैं यहां से यहां तक रेंज है, तो यहां से यहां तक का रेंज कितना है 28। क्लियर है बात, दिक्कत तो नहीं किसी को। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर माइनस का आता है, माइनस का 5 माइनस का 1, तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा वही सबसे छोटा होगा। एक और एग्जांपल लिखते हैं, क्लियर है ना बात, समझ पा रहे हैं ना सभी अच्छे से, भली बात ही। देखिए 3, 8, -2, 4, 7, 11। तो पहले तो बड़ा नंबर देखो इस सीरीज का, बड़ा नंबर क्या होगा 11, ठीक है, माइनस छोटा नंबर माइनस का 2, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 11 प्लस 2 तो रेंज क्या हो जाएगा 13। बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। एक और सीरीज ले लेते हैं, यहां पर बना ले इसे पहले। अगले पार्ट में हम लोग हर लेवल के सवाल जो रेलवे में आया हुआ है, एलडीसी में आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ, अगला जो बनेगा 50 मिनट का लेक्चर, उसमें हर लेवल के सवाल आपको मिलेंगे, पाई चार्ट वाला, टेबल वाला, ग्राफ वाले सवाल जो इस पैटर्न पर बने हैं, और इनको कंप्लीट कोई नहीं पढ़ाता, बस डेफिनेशन बता दी जाती है। आज मैंने डेफिनेशन क्लियर करा दी, कल मैं आपको इस पर सवाल कराऊंगा कंप्लीट। तो एक और सवाल आप लोग बनाए नेक्स्ट, -3, -5, -8, -12, -20। बोलेगा इसकी रेंज क्या होगी, तो रेंज का मतलब होता है बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाना। बड़ा नंबर कौन सा, इसमें माइनस का 20 मत बोलना, सबसे छोटी संख्या जो होगी वो सबसे बड़ा नंबर होगा, तो माइनस का 3, माइनस सबसे छोटा नंबर माइनस 20, -3, -20, 20 में से 3 कम करेंगे तो आंसर होगा 17। तो यहाँ तक ही क्लास को रखते हैं, पानी को विराम देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में इन सवालों के साथ में, किस एग्जाम में कौन सा सवाल आया हुआ है। हर एग्जाम में सवाल बनते हैं, आज समझ आया होगा कि मीन क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या, मीन का मतलब एवरेज निकालना, मीडियन का मतलब क्या होता है व्यवस्थित क्रम, मोड का मतलब क्या होता है जो ज्यादा बार आया हो, चुनाव की तरह जितने ज्यादा वोटों से वही जीता साहब, जितनी बार ज्यादा आया हो, क्लियर है। और रेंज क्या होगा, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाना। थैंक यू सभी को, धन्यवाद।